छोटेमन की देवभोग क्षेत्र की आंगनबाड़ियों में छुआछूत की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। दरअसल जहां आंगनबाड़ियों में गर्भवती महिला और बच्चे मध्याह्न भोजन का खाना खाने से बचते हैं, क्योंकि यहां आज भी जातिवाद और छुआछूत की भावना मौजूद है, और इस इलाके की जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली सहायिकाएं हैं SC या फिर ST वर्ग की हैं, उन आंगनबाड़ी केंद्रों में अन्य जातियों के बच्चे और गर्भवती महिलाएं मध्याह्न भोजन करने नहीं जाते हैं। फिर सहायिका के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और रेगुलर वाली नहीं है, प्राइवेट वाली है, इसीलिए बुलाने जाते भी हैं, चलो खाना बनाने वाले भी लगाए हैं, बोल के भी बोल रहे हैं, लेकिन इन लोग नहीं आ रहे हैं। मेन गलती इसके माँ बाप की है, क्योंकि उन लोग तो अपने साथ लेके खेत चले जाते हैं या फिर कुछ काम है बोल के घर में रोक के रखते हैं और यहाँ भेजते नहीं है। फिर भी माता पिता एक्टिव नहीं है, हम लोग उनके लिए लाने चाहते, यहाँ का लाभ मतलब लाने के लिए हिचकिचाते हैं और बच्चे को ला नहीं रहे हैं। उनकी को जागरूकता के अभाव में है, घर घर जाके तो बुला रहे हैं, कार्यकर्ता लोग भी अपने हिसाब से बुला रही है। मैं भी आती हूँ दौरा में, तो मैं भी कुछ कुछ घर जाती हूँ, आज भी गई थी बहुत घर, तो सब लोग बच्चे को लेके खेती को गए। और ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा सा संवाददाता पुरुषोत्तम पात्रा फोन लाइन पे जुड़ गए। पुरुषोत्तम, जन जागरूकता के अभाव में गरियाबंद का एक इलाका है जहां पर छुआछूत की स्थिति अब भी देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से इस ओर जागरूकता को लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर ये जो है जिले के उड़ीसा इलाके से लगा हुआ है देवभोग विकासखंड, जहाँ पे करीब 289 आंगनबाड़ी केंद्र है, और उन आंगनबाड़ी केंद्रों में 100 से भी ज्यादा ऐसे सेक्टर है जहाँ पे ST और ST वर्ग की सहायिका काम करती है। और चूंकि योजना के तहत गर्म भोजन खिलाना होता है, पैकेट में बंद दूध देना पड़ता है, घी से लेकर तमाम बिस्किट और तमाम प्रकार के रेडी टू ईट, और ये तमाम सरकार ने इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन वर्षों से यहाँ देखने आ रहा है कि जो कुछ लोग हैं रूढ़िवादिता, आज भी इनके ऊपर मतलब योजना से रूढ़िवादिता का पूरी तरह से साया मंडरा रहा है, जिसके कारण जो योजना है योजना का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और वो जो आंकड़े हैं उस आंकड़े में स्पष्ट दिख रहा है कि बच्चे यहाँ जिले भर में सबसे ज्यादा कुपोषित जो बच्चों की संख्या इस देवभोग विकासखंड में पाई जा रही है। जी पुरुषोत्तम, एक गौरतलब बात ये भी है कि अगर कोई अधिकारी हो या कोई प्रशासनिक का बड़ा अमला हो, वो खुद पहुंचकर मौके का मुआयना करता या लोगों को एकत्रित करके समझाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता, लेकिन स्थितियों को देखकर लग रहा है कि दूर दूर तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर संज्ञान लेने के लिए ही नहीं जाता है। जी बिल्कुल, ये आज या कल की बात नहीं है, पिछले 4-5 सालों से ये बात सामने आया है, प्रशासन के सारे अधिकारियों को पता है, ये SDM को पता है, यहाँ तक कि जो विभाग के जो परियोजना अधिकारी है वो तक जानते हैं, जनप्रतिनिधि भी जानते हैं कि इस तरह से जो हालात मौजूद यहाँ पैदा हुए हैं जिसके कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। क्योंकि जो आंकड़े जो दिख रहे हैं, आंकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि यहाँ 179 जो बच्चों की संख्या है वो 3 माह से 6 साल के ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अति गंभीर कुपोषित की श्रेणी में माना जा रहा है। जब हमने यहाँ पे जब कुछ केंद्रों का हमने मौका मुआयना किया, तो वहाँ पता चला कि जो सहायिका है वो अपने तनखे, उनका 6,500 रुपया तनखा होता है, लेकिन वो अपने तनखे के पैसे से 1200 से 1500 रुपया देके वो यादव जाति की महिला रखती हैं, उसके बावजूद भी खाने की व्यवस्था अपने तरफ से जो करती है बंटवाने का, उसके बावजूद भी लोग यहाँ से नहीं आते। और पूरी जानकारी जो है प्रशासन की जानकारी में है, लेकिन एक दो बार जो है इसकी लिखित शिकायत भी हुई थी, और चूंकि कार्यकर्ताओं को वहाँ काम करना रहता है, वहाँ ग्रामीण से तालमेल बनाकर चलना रहता है, तो इसके लिए उन्होंने खुद रास्ता निकाला हुआ है, दूसरे जाति के लोगों को रखा हुआ है, अपने पैसे दे के नौकरी पे रखे हुए हैं, और जब जांच होती है अधिकारी आते हैं तो अधिकारी के सामने ग्रामीण खुलकर नहीं कर बातें सामने नहीं आ पाती, जिसके कारण से ये अभी तक जो ये जो रूढ़िवादी परंपरा है अभी तक के चलते आ रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पुरुषोत्तम। वही पन्ना की अमानगंज